करके कुछ कहेंगे बिहार में चल रही सियासी सरगर्मी के बीच नीतीश कुमार का बयान सामने आ गया है। नीतीश कुमार जैसे ही राजभवन से निकले उन्होंने बयान दिया कि आखिर तेजस्वी यादव राजभवन के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। कल से एक खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और बीजेपी के साथ डील पक्की हो गई है और आज इसका नजारा भी देखने को मिला जब राजभवन में नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी और उनके बगल में विजय सिन्हा की तस्वीर सामने आई। तीनों ही नेता आपस में बेहद ही अच्छे तरीके से बातचीत कर रही थी और इस तस्वीर से साफ हो गया है कि कल का दिन बेहद ही ज्यादा निर्णायक होगा। सुनिए आप नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे आपने देखा कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी क्या करते हैं मुझे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। आप खुद जाइए तेजस्वी यादव के पास और आप पूछिए कि आखिर वो राजभवन के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। बताते चले हम आपको कि इस वक्त बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड पर है जहां पर नीतीश कुमार कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं और नीतीश कुमार की डील बीजेपी के साथ फाइनल हो गई है। आज के कार्यक्रम में भी इसकी झलक देखने को मिली, चाहे वो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो। गांधी मैदान में जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था तब तेजस्वी यादव ने पहल की और नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने बिल्कुल भाव नहीं दिया। और उसके बाद अब नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आ गया है, आरजेडी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है और जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आरजेडी ने कहा कि हम नीतीश कुमार को 4 बजे तक का समय देते हैं, शाम का समय देते हैं, नीतीश कुमार आए और सब कुछ क्लियर करें। बिहार की राजनीति में जो भी कुछ चल रहा है नीतीश कुमार आकर क्लियर करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने क्लियर नहीं किया तो अब जेडीयू का पलटवार सामने आया है। जेडीयू ने कहा कि आप अल्टीमेटम देने वाले कौन होते हैं, आरजेडी कोई नहीं होती है कि वो जेडीयू को अल्टीमेटम दे, नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे। और इसी बीच नीतीश कुमार का बड़ा बयान तेजस्वी के लिए आ चुका है, हम आपको बयान के साथ छोड़े जाते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।